फरवरी 1805 को केरल के एक धार्मिक परिवार में कुरियाकोस का जन्म हुआ। 1818 में पुरोहित बनने की इच्छा से एक सेमिनरी में प्रवेश करने वाले कुरियाकोस का पुरोहिताई अभिषेक 1829 में हुआ। उन्होंने दो अन्य पुरोहितों के साथ मिलकर एक तपस्वी जीवन जीना शुरू कर दिया। उन लोगों ने मिलकर भारतीय मूल के पहले धर्म समाज की स्थापना की, कार्मलाइट्स ऑफ मेरी इमैकुलेट। इस धर्म समाज के पहले मठ की स्थापना 11 मई 1831 को हुई। 8 दिसंबर 1855 को अन्य 10 पुरोहितों के साथ कुरियाकोस ने कार्मलाइट परंपरा में पहला व्रत धारण किया। उस धर्म समाज के प्रायर जनरल के तौर पर वे मनोनीत हुए और अपने मरने तक उस पद पर वे बने रहे। कुरियाकोस एक समाज सुधारक थे जिन्होंने केरल के समाज में कई नई प्रथाओं की शुरुआत की, जहां निचले स्तर के लोग पढ़ नहीं पाते थे उन्हें शिक्षा प्रदान करने का कार्य कुरियाकोस ने शुरू किया। एक संस्कृत स्कूल का शुभारंभ कुरियाकोस ने की, साथ ही साथ अपने गांव में उन्होंने एक गिरजाघर का निर्माण किया और गिरजाघर के बगल में एक स्कूल का भी निर्माण किया ताकि निचले स्तर के लोग वहां पढ़ सके। तब से केरल के समाज में एक प्रथा शुरू हुई कि जहां कहीं भी गिरजाघर का निर्माण हो उसके किनारे एक स्कूल का भी निर्माण हो। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने अछूतों के लिए शिक्षा दिलाने का कार्य किया, उन्हें संस्कृत भी पढ़ाया। उन्होंने ही स्कूलों में दोपहर के भोजन का इंतजाम शुरू किया। उन्होंने पिडियरी नाम का एक भले कार्य का शुरुआत किया। पिडियरी से मतलब है एक मुट्ठी चावल। हर घर में एक दिन एक मुट्ठी चावल अलग रखा जाता है और सप्ताह के अंत में उसे बटोर कर गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाती थी। उन्होंने विश्वासियों के बीच परम प्रसाद की आराधना, पवित्र रोजरी माला एवं क्रूस रास्ते का भी प्रचार किया। 3 जनवरी 1871 को उनकी मृत्यु हुई। वे भारतीय मूल के पहले पुरुष संत हैं। अपने विश्वास से उत्तेजित होकर, अपने विश्वासी जीवन से प्रेरणा पाकर, समाज के निचले स्तर के लोगों के लिए काम करना, उन्हें भी समाज की मुख्य धारा में ले आना, यह हमारा कर्तव्य है। हम आज प्रभु से प्रार्थना करें, जो भी जरूरतमंद, चाहे वो जिस किसी भी स्तर के हमारे पास आए और हमें यह एहसास हो कि उन्हें हमारी जरूरत है, तो हम उन्हें मदद करने की हर हाल कोशिश करें।